नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर रविवार को हुए विस्फोट मामले की जांच अब एनआईए करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को ये जांच एनआईए को सौंपने का फैसला लिया है। जांच में पाया गया है कि विस्फोट में आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया है। इस हमले में 2 लोग घायल हो गए थे। कहा जा रहा है कि विस्फोट के चलते कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी हानि पहुंचा सकता था। एनआईए सूत्रों ने जानकारी दी है कि इस घटना में क्वाड कॉप्टर्स ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले इनका इस्तेमाल इराक और सीरिया में सुरक्षा बलों पर हमले के लिए किया जाता था। जम्मू में घटनास्थल से इकट्ठा किए गए नमूनों को जाँच के लिए दिल्ली लाया गया है। एनआईए इस दौरान हमला करने वाले आतंकियों का जैश ए लश्कर समेत द रेजिस्टेंस फ्रंट कनेक्शन भी खंगालेगी। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जांच आतंकी एंगल से भी कर रही थीं, लेकिन घटना के 48 घंटे बाद भी ड्रोन को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई थी। ऐसे में अब इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। इस अटैक को लेकर जांच में जो बात अभी तक सामने आई है, उसके मुताबिक हमला करने वाले 2 ड्रोन थे जो आए और विस्फोट करके चले गए। इनमें एक विस्फोट एयरबेस में एक छत पर हुआ, जबकि दूसरा खुले में हुआ। हमले में 2 जवानों को कुछ चोट पहुंची थी, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। आपको बता दें, अभी सुरक्षा एजेंसियां एयरबेस पर हुए ड्रोन अटैक की जांच में जुटी ही थीं कि सोमवार रात को एक और ड्रोन देखा गया है। जम्मू में सुंजवान मिलिट्री स्टेशन के पास ये ड्रोन देखा गया था। एजेंसियां अभी ये भी जांच कर रही हैं कि ये ड्रोन एक ही है या फिर 3 ड्रोन थे। ये ड्रोन 3 अलग-अलग इलाकों में देखे गए थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।